हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि फ्रेंडशिप डे आ रहा है, सो इन दिस वीडियो आई विल बी शोइंग यू ऑल अ वेरी इजी एंड सिंपल वे टू मेक अ कार्ड एट लास्ट मिनट। सबसे पहले तो हम एक हेक्सागोनल शेप का टेम्पलेट तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो कार्ड होगा वो बेसिकली हेक्सागोनल शेप का होगा। सो यहाँ पे मैंने 6 सेंटीमीटर का एक हेक्सागोनल शेप लिया है फॉर माय कार्ड। आप चाहे तो इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बड़ा कार्ड बनाना है, या फिर अगर आपको थोड़ा छोटा बनाना है तो आप थोड़ा डिक्रीज करके 3-4 सेंटीमीटर भी हेक्सागन बना सकते हैं। टेम्पलेट कट होने के बाद अब हम आ गए हैं अपने मेन पेपर पे। तो मैंने जिस पोजीशन में हेक्सागोनल शेप रखा है, आप उस पोजीशन पे रख के उसको ट्रेस कर लेंगे। दोनों साइड से शेप ट्रेस करने के बाद हम साइड में मार्जिन, स्टिकिंग मार्जिन के लिए स्केल से लाइन खींच लेंगे और अब हम अपना शेप को कट करके निकाल लेंगे। फोल्डिंग एरिया में हम हाफ कट मार लेंगे सो दैट कि ये पूरा कार्ड वाला लुक आ जाए। मैंने इसी प्रोसेस को फॉलो करके दो और हेक्सागन कट किए हैं उसी साइज़ के और मैं दोनों साइड पे स्टिक कर रही हूँ। स्टिक करने के बाद मैंने हाफ हेक्सागन पे एक हाफ कट क्रिएट कर लिया है, जिससे कि ये हमारा फोल्डिंग एज हो जाएगा। दोनों साइड्स पे भी हाफ कट मार लेंगे सो दैट कि हमारा फोल्डिंग बहुत शार्प आए। एंड ये हमारा फर्स्ट वे ऑफ कार्ड रेडी हो चुका है। आप चाहे तो इसको अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इसी से 1 सेंटीमीटर छोटा शेप का हेक्सागन बहुत सारा कट करके मैंने स्टिक कर लिया है। चाहे तो किसी फ्रेंड का पिक्चर भी लगा सकते हैं या फिर कुछ कोटेशंस भी लिख सकते हैं। हर एक फोल्डिंग एजेस में हाफ कट मारना नहीं भूलिएगा। अगर आप हाफ कट मारना भूल जाएंगे तो आपके एजेस बहुत ही शार्प नहीं आएंगे। सो दूसरे टेक्निक में हम सारे वही कार्ड का प्रोसेस है, बस इस पे हम लोग हेक्सागन, दोनों साइड के हेक्सागन्स पे डायगोनल कट कर लेंगे एंड उसको फोल्ड करके हम स्टिक कर देंगे, तो वो थोड़ा 3D इफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से हमारा दूसरा कार्ड भी रेडी है। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आप इसमें से कोई भी कार्ड क्रिएट कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर यू शेयर विथ मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।